मध्य प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के ऊपर से एक पश्चिम विक्षोभ गुजर रहा है, जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक शक्तिशाली द्रोणिका बनी हुई है। गुजरात के आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। पाकिस्तान के मध्य में एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य में भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। मौसम विज्ञानी अशफाक हुसैन ने बताया कि प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। जबलपुर, भोपाल, रीवा, शहडोल, सतना, सागर एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। हाँ, देखिए अभी मध्य प्रदेश में 26 तारीख से एक पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हुआ है और एक अलावा जो है एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है नॉर्थ एमपी के बना हुआ था और एक इंडस साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ था पाकिस्तान और राजस्थान के सटे हुए इलाकों से। और इसके अलावा जो है आपके एक ईस्टर्ली इवेंट्स और वेस्टर्ली इवेंट का इंट्रक्शन हो रहा था गुजरात पास में और इसके वजह से अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा था। इसके वजह से पिछले 24 घंटों द्वारा प्रदेश के पश्चिम मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों में वर्षा दर्ज की गई है। कम से कम 23 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है और सबसे अधिक आप देखें तो झाबुआ में 110.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा इंदौर में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और भोपाल में भी 6 मिनट वर्षा दर्ज की गई है और पूरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। ऐसा आपने जो है छिंदवाड़ा और सागर में वर्षा दर्ज की गई और ये सिस्टम जो है अब पश्चिम से पूर्व तरफ मूव हो रहा है तो इसकी वजह से आज से जो गतिविधियां जो है पूरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा वहां पर होने की संभावना बनी हुई है गरज चमक के साथ में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।